अयोध्या दीपोत्सव में सपा सांसद अवधेश प्रसाद को आमंत्रित नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी ने त्योहार का भी राजनीतिकरण कर दिया है। यहाँ तक आपने किया कि आपको बुलाया नहीं गया, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसकी मानसिकता है। यूं तो ये जो त्योहार है, हमारे माने त्योहार मान्य पर्व जो है, इन पर्वों को सदियों से हम सभी मिलजुल कर मनाते हैं, भाईचारे से मनाते हैं, आपदारी से मनाते हैं। तमाम लोग कहते हुए पाए गए आज कि आपको इसलिए नहीं बुलाया कि अगर आप आते तो आप ही की ज्यादा चर्चा होती, कि मीडिया के लोग आप ही को ज्यादा कवर करते, जबकि किसान हमारा देश किसानों का देश है। मजदूरों का कोई स्थान नहीं था, गरीबों के लिए कोई सवाल नहीं वहां जाने का। तो ये जो है ऐसा है, पास दिया जा रहा था या नहीं दिया जा रहा था इसकी तो हमें जानकारी है नहीं। हाँ इतना है, हमारे जो साथ रहते हैं निजी सचिव हैं, उनको फोन आया था 11 बजे कि पैड पर लिखा करके दे दो कि हम आना चाहते हैं और एक साथ हमारे और आएंगे, उनका नाम ये है। और सबके बीच हम मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, अफसोस है कि हमारे जो मान्य त्योहार हैं, इन त्योहारों का भी राजनीतिकरण कर दिया है, जो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, और जो अनेकता में एकता का जो सूत्र है, वो सूत्र को कमजोर करने का है। और जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृत है, उस संस्कृत के विपरीत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, मानसिकता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।